हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, शिक्षा मंत्री जी हमारे थोड़े कन्फ्यूजन वाले शिक्षा मंत्री जी हो गए हैं, क्योंकि कभी वो बोलते हैं पेपर होंगे, कभी पोस्टपोन करेंगे। तो फ्रेंड, एक बहुत बढ़िया न्यूज़ या बुरी न्यूज़ जो भी कहो आप, किस बच्चों के लिए बढ़िया है, कुछ बहुत ज़्यादा बच्चों के लिए बुरी न्यूज़ है निकल कर आई है। देखिए, आज का अपडेट है दैनिक भास्कर का 44 मिनट पहले का। फ्रेंड्स, MP बोर्ड परीक्षाएँ तय समय पर होंगी। स्कूल शिक्षा मंत्री परमार ने किया ऐलान, 10वीं के पेपर 18 से और 12वीं के 17 फरवरी से होंगे शुरू। मध्य प्रदेश में 1 फरवरी से स्कूल खुलने के बाद शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि बोर्ड परीक्षा तय समय पर होंगी, 10वीं एग्ज़ाम 18 फरवरी से 10 मार्च तक और 12वीं के 17 फरवरी से 12 मार्च तक होंगे। पेपर सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक रहेगा। छात्रों को सलाह है कि कम समय बचाए, अच्छी तैयारी और मन लगाकर परीक्षा दे। कोरोना को देखते हुए पहली बार पेपर फरवरी में शुरू हो रहे हैं। MP बोर्ड टाइम टेबल मंडल की वेबसाइट www.mpbse.nic.in पर जारी किया गया है। सुबह 8:30 बजे उपस्थित होना ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स, ये जो भी है, ये टाइम टेबल वगैरह है, वो तो आपके पास आ ही गया होगा। तो देखिए ये वीडियो आज का। प्रदेश के सभी बेटे बेटियों को शुभकामना देता हूँ। हम सब परीक्षाएं समय पर संपन्न करा लेंगे। बोर्ड ने जो की थी 17 और 18 फरवरी से घोषित की है, उसी तिथि से बोर्ड की परीक्षाएं प्रारंभ होगी। मैं प्रदेश के सभी विद्यार्थी भाइयों बहनों से एक आग्रह करता हूं कि अपना समय बचाए, हम अपनी पढ़ाई की ओर ध्यान देकर के अपना ये वर्ष में जो कुछ चल रही है उसको ठीक कर लें और परीक्षा तक अच्छी तैयारी करके अच्छे मन से परीक्षा में सम्मिलित हो। आपका रिजल्ट, आपका परिणाम अच्छा आएगा, ऐसी मेरी शुभकामना है।